जो कि कुछ इस तरह से देखे, दो पीस फैब्रिक है इस तरह से। तो इस फैब्रिक की जो लंबाई है वो मैंने ली है 10.5 इंच, जो कि 10 इंच तैयार आएगी। सिलाई में दबने का मार्जिन है यहाँ 1/2 इंच, और इसके साथ इसकी जो चौड़ाई है वो मैंने ली है 16 इंच। बस इसे हम फोर फोल्ड कर लेंगे, ये 2 फोल्ड है, इसके बाद हम फोर फोल्ड करेंगे। तो देखिए इसे मैंने फोर फोल्ड में तैयार लगा लिया है, ये 2 फोल्ड और ये 2 फोल्ड। अब यहाँ बंद हिस्से की तरफ से हम ग्राफ बनाएंगे। तो फर्स्ट हम यहाँ मार्किंग करेंगे शोल्डर की, जो कि है 4.5 इंच। शोल्डर डीप लेंगे अगेन 4.5 इंच। चेस्ट पार्ट मेजर करेंगे, 7 इंच चेस्ट पार्ट है, उसमें हम 1/2 इंच कटिंग का मार्जिन, 1/2 इंच सिलाई का मार्जिन ऐड करते हुए 8 इंच यहाँ लेंगे। चेस्ट की फिटिंग यहाँ डीप की गुलाई दे देंगे। कमर से हम लेंगे 7.5 इंच, और इस मार्क को आपस में मिला देंगे इस तरह से। नेक लेंगे, नेक की विड्थ जो होगी वो 2 इंच होगी, और डेप्थ में भी हम इसे रखेंगे 2 इंच फ्रंट और बैक से एक जैसा, और यहाँ नेक को हम ड्रॉ कर लेंगे। सो ग्राफ कंप्लीट है, अब इसे कटिंग कर लेते हैं। तो देखिए इस तरह से हमने इसे कटिंग कर लिया है। अब बैक पार्ट को अलग कर देंगे, और फ्रंट पार्ट को हम सेंटर से 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे इस तरह से, क्योंकि यहाँ बनाएंगे बटन प्लग के इस तरह से, ये देखिए, और ये बैक। तो इसे साइड पे करते हैं, और ट्राउज़र जो है इसकी कटिंग कर लेते हैं। ट्राउज़र के लिए मैंने फैब्रिक ले लिया है जो कुछ इस तरह से है, और इसे भी मैंने 4 फोल्ड किया हुआ है। ये देखिए, ये 2 फोल्ड और ये 2 फोल्ड, जिससे ये 4 फोल्ड हो गया। और इसकी लंबाई और चौड़ाई हम देख लेते हैं। तो इस फैब्रिक को मैंने चौड़ाई में लिया है, ये देखें 10 इंच इसकी चौड़ाई है, और लंबाई में मैंने इस फैब्रिक को लिया है 21 इंच इस तरह से। तो इसे मार्किंग करने के लिए हम पेटी को ले लेंगे, और इसको हम इस तरह से रखेंगे, और जितना हमने इसी कमर ली थी उस पर हम इस तरह से मार्क कर लेंगे, यानी 7.5 इंच पे इस तरह से। और अब यहाँ से हम लेंगे क्रोच एरिया, तो क्रोच एरिया हम लेंगे 7.5 इंच, और इस निशान को हम कर लेंगे सीधा। और अब यहाँ से हम लेंगे 2 इंच बाहर की तरफ, और यहाँ हम दे देंगे इस तरह से राउंड शेप। और अब पांचों को हम ले लेंगे, पांचों को हम फुल रखेंगे, तो इस निशान को हम इस निशान के साथ मिला देंगे इस तरह से। आप चाहें तो इस तरह से सीधा भी ले सकते हैं, मैं इसे ज़रा तिरछे में रखूँगी इस तरह से। तो देखिए इसका भी ग्राफ कंप्लीट है, अब इसे भी कटिंग कर लेते हैं। तो देखिए ट्राउजर ग्राफ कंप्लीट है, अभी साइड पे करते हैं। फर्स्ट जो है हम पेटी को रेडी करेंगे। देखिए इस तरह से मैंने पेटी को ले लिया है। फर्स्ट हम बैक पीस को साइड पे कर देंगे, और फ्रंट पार्ट को ले लेंगे जिसे हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। इसके लिए हमने यहाँ प्लकिट बनानी है, तो प्लकिट के लिए देखें मैंने इस तरह से ये 2 स्ट्रिप ली है, जिनकी चौड़ाई मैं आपको बता देती हूँ। तो इस फैब्रिक की जो चौड़ाई है वो मैंने ली है 3 इंच इस तरह से, और इस वाली स्ट्रिप की जो चौड़ाई है वो मैंने 2 इंच ली है। और इस तरह से मैंने 2 स्ट्रिप ली है, एक 3 इंच की और एक 2 इंच की, और लंबाई मैंने इसके अकॉर्डिंग दी है, यानी पेटी के अकॉर्डिंग से लिया है। तो फर्स्ट इसे हम रखेंगे इस तरह से, देखिए इस तरह से रखेंगे, और यहाँ हम एक सीधी सिलाई लगा देंगे। सिलाई लगाने के बाद इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे बैक तरफ, और फिर यहाँ हम इस तरह से इसे फोल्ड करके रेडी कर लेंगे प्लकिट की तरह। और इस वाले पीस को भी हम इसी तरह से देखे रखेंगे सीधी साइड पर, सिलाई लगाएंगे, और इसे हम फुल अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे इस तरह से, यानी इसे हम बाहर बढ़ा के नहीं रखेंगे, इस तरह से हम फोल्ड करके इसे रेडी कर लेंगे। तो चलें फर्स्ट प्लकिट को रेडी करते हैं, और प्लकिट को रेडी करने के बाद शोल्डर को भी ज्वाइन कर लेंगे बैक के साथ। तो चलें इसे रेडी करते हैं फर्स्ट। तो देखिए इस तरह से हमने प्लकेट को रेडी कर लिया है, एक को अंदर की साइड में मोड़ने के बाद, और दूसरी को इस तरह से बाहर की तरफ थोड़ा पलट के रखा है हमने प्लकेट की साइड में, और शोल्डर को मैंने रेडी कर लिया है। अब हमें नेक को रेडी करना है।
सो नेक को रेडी करने के लिए यहाँ मैंने इस तरह से ओढ़े पट्टी ली है, इसे हम इस तरह से फर्स्ट डबल फोल्ड करेंगे और डबल फोल्ड करने के बाद इस तरह थोड़ा बाहर की तरफ निकाल के रखेंगे इस तरह से, और यहाँ इसे हम इस तरह से बैक की तरफ पलट देंगे इस तरह से, और फिर हम फुल नेक पे पार्ट जब इस साइड पे आएंगे तो इसी तरह से थोड़ी सी पार्टिंग को बाहर की तरफ इस तरह से निकाल के रखेंगे और इसे भी अंदर की तरफ इस तरह फोल्ड करके सिलाई लगा देंगे, फिर कट लगाने के बाद अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे जिससे इसका कॉर्नर काफ़ी अच्छे से फिनिशिंग के साथ बन के आ जाएगा। इसी तरह से हम यही सेम पाइपिंग इस तरह से डबल फोल्ड करके शोल्डर डी पे भी लगा के इसे रेडी कर लेंगे। तो चलिए इसे रेडी कर लेते हैं। तो देखिए इस तरह से मैंने शोल्डर डिप और नेक पे पाइपिंग करके इसे रेडी कर लिया है। अब हमने इस पर फिटिंग लगानी है। सो फिटिंग लगाने से पहले हम इसे इस तरह से देखिए ओपन करेंगे और इस प्लकेट को इस तरह से रखने के बाद यहाँ पिन कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से मैंने इसे पिन लगा दिया है प्लकेट को। अब इसे रॉन्ग साइड पे इस तरह से हम टर्न करेंगे और यहाँ जो फिटिंग की साइड है यानी फिटिंग को लगा लेंगे हम इस तरह से देखे रखेंगे और यहाँ फिटिंग लगा देंगे इस साइड पे और इस साइड से भी हम इसे फिटिंग लगा के रेडी कर लेते हैं। तो देखिए साइड की फिटिंग मैंने लगा दी है, अब इसे सीधा कर लेंगे हम इस तरह से। तो देखिए इस तरह से पेटी जो है वो रेडी है, अब इसे साइड पे करते हैं और ट्राउजर को रेडी कर लेते हैं। सो यहाँ देखें मैंने ट्राउजर को ले लिया है। फर्स्ट इसे इस तरह से हम ओपन करेंगे और दोनों जो सीधे पार्ट हैं हम उन्हें अंदर की तरफ रख देंगे इस तरह से। इस तरह से रखने के बाद फर्स्ट हम क्रोच एरिया को स्टिच करेंगे। दोनों साइड के क्रोच एरिया को स्टिच करने के बाद नीचे का जो बॉटम है यानी पॉइंटे है इसे हम इस तरह से फोल्ड करके रेडी कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद साइड की फिटिंग लगा देंगे। सो चलिए इसे रेडी कर लेते हैं। तो देखिए इस तरह से मैंने ट्राउजर को रेडी कर लिया है और इसे मैंने इसकी जो साइड है यहाँ मैंने छोटे छोटे से दो कट लगा दिए एक साइड पे और इस साइड पे। अब इसे हम सीधा कर लेते हैं। देखिए इस तरह से मैंने ट्राउजर को सीधा कर लिया है। अब इसके साथ मैंने पेटी को ज्वाइन करना है। तो पेटी को ज्वाइन करने के लिए फर्स्ट हम इसे इस तरह से देखे रखेंगे। ये देखिए दोनों सीधे पार्ट अंदर की तरफ और फर्स्ट हम कट जो हमने इस पर लगाया था उस कट को ही साइड की जो सिलाई है इसके साथ इस तरह से मिलाएंगे और यहाँ पिन लगा लेंगे इस तरह से, और जो दूसरा कट है उसको इस साइड की सिलाई के साथ हम ज्वाइन कर लेंगे और इसी तरह से आप इस पर फुल पिन लगा के इसे अच्छे से एडजस्ट कर लेंगे और फिर इस पर सिलाई लगाएंगे। देखिए इस तरह से मैंने इसे पिन लगा के रोक लिया है। अब इसके ऊपर हम सिलाई लगा लेते हैं। रॉन्ग साइड से इस तरह से रख के हम इसे सिलाई लगा के रेडी कर लेते हैं। इस तरह से मैंने सिलाई लगा के इसे कंप्लीट कर लिया है। अब इसे हम सीधा करेंगे तो देखें कुछ इस तरह से नज़र आएगा। अभी जो पिन है इसे हम हटा देते हैं। तो देखिए अब इस पर हमने डोरी लगानी है। तो डोरी लगाने के लिए फर्स्ट इसका सेंटर ले लेते हैं। तो इसका सेंटर है, इस पर हमने डोरी लगानी है। तो डोरी लगाने के लिए यहाँ देखें मैंने इस तरह से स्लिप ली है जिसकी चौड़ाई मैंने ली है 1.5 इंच। तो देखें इस तरह से इसे हमने इस तरह लगाना है फुल फ्रंट पे और बैक पे। तो फर्स्ट देखें हम इस तरह से इसे फोल्ड करेंगे इस साइड से, फिर इस साइड से भी हमने इसे फोल्ड करना है और इस साइड से भी हमने इसे फोल्ड कर लेना है और इस तरह से हम इसे लगा के रेडी कर लेंगे। फर्स्ट इस तरह से हमने इसे फोल्ड किया और फिर इस साइड पे फोल्ड करके हम इसे इस तरह से लगाते जाएंगे और फुल बैक पे हमने इसे लगा के यहाँ तक कवर कर लेना है
और फिर हमने इस तरह से दूसरी साइड पे इसे लगा के इस तरह देखो फोल्ड करते जाएंगे और फुल सिलाई लगा के इसे स्टिच कर लेंगे। तो चलिए इसे रेडी कर लेते हैं। देखिए इस तरह से मैंने इसे स्ट्रिप लगा कर रेडी कर लिया है और यहाँ से जो है स्ट्रिप ये है ओपन है, यहाँ से हम डालेंगे डोरी को। तो डोरी बनाने के लिए इस तरह से मैंने स्ट्रिप ले ली है, देखिए इस तरह से, जिसकी चौड़ाई मैंने 1.5 इंच ली है, ये देखिए इस तरह से 1.5 इंच इसकी चौड़ाई है और लंबाई में मैंने इसे लिया है 60 इंच। आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा ले लीजिएगा, जितना आपने इसे लंबा रखेंगे उतनी अच्छी इसमें नोट और बटरफ्लाई बन जाएगी। तो ये तकरीबन 60 इंच इसे मैंने लिया है। इसे हमने रेडी इसे करना है कि फर्स्ट इसे हम देखें इस तरह से रखेंगे और यहाँ से हम इसे फोल्ड कर लेंगे। इस साइड से फोल्ड करने के बाद इस साइड से भी हमने इसे फोल्ड करना है और इस साइड से भी फोल्ड करना है और उसके बाद हम इसे इस तरह से डबल फोल्ड करने के बाद यहाँ सिलाई लगा के एक डोरी को रेडी कर लेंगे। और जब इस एच पे आएंगे तो इसे भी हम इस तरह से फोल्ड कर लेंगे और इस तरह से फुल डोरी को हम रेडी कर लेंगे। तो चलिए इसे रेडी कर लेते हैं। इस तरह से मैंने डोरी को रेडी कर लिया है, अब हमने इसको इसके अंदर डालना है। सो फर्स्ट यहाँ मैंने एक सेफ्टी पिन ली है जिसके माध्यम से इसे मैं डालूंगी इसके अंदर। तो यहाँ से हम इसे डालना स्टार्ट करते हैं और दूसरी तरफ से फिर इसे निकाल लेंगे। तो देखिए इस तरह से मैंने इसमें डोरी डाल दी है। अब यहाँ इसे हम एक नोट लगा लेंगे और उसके बाद जितनी हमें इसके फिटिंग देनी है उसके अकॉर्डिंग आप इसे टाइट और लूज कर सकते हैं इस तरह से। और उसके बाद हम एक यहाँ बटरफ्लाई दे देंगे इस पर इस तरह से। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह जंपसूट है हमारा रेडी है। अब यहाँ पर आप चाहें तो चौक करा लें और यहाँ बटन दे दें, या चाहें तो आप पिच बटन दे दें जो आपको पसंद हो। तो यहाँ मैं चेक कराने के बाद यहाँ ये बटन दे दूंगी इस तरह से, ये देखिए। सो ये मैं बटन लगा लेती हूँ। सो ये थी आज की वीडियो, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक को शेयर करना भूलेगा एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब योर यूट्यूब चैनल। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक नए डिजाइन के साथ मुलाकात होगी। अपना और अपने प्यार को ख्याल रखिएगा, मुझे मेरी फैमिली को दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।